Hello everyone. So in previous lecture we studied about what are life processes and what is nutrition. So today's topic is nutrition in plants. So green plants are autotrophic. That means they prepare their own food और जिस process से वो अपना खाना बनाते हैं that process is known as photosynthesis. So the overall equation of photosynthesis is 6 carbon dioxide molecules plus 12 water molecules in the presence of sunlight and chlorophyll form one molecule of glucose plus 6 water molecule plus 6 oxygen molecules. So उसके बाद आता है chlorophyll. Chlorophyll, the green color of plants is due to the presence of chlorophyll. Chlorophyll mainly leaves के अंदर present होता है, but कुछ amount में ये green branches and stems के अंदर present होता है. Chlorophyll is of 5 types. Chlorophyll A, B, C, D and E, and also bacteria chlorophyll, which is present in autotrophic bacteria. So the most abundant and the most common ones are chlorophyll A and B. So sunlight provides the necessary energy, which is fixed by chlorophyll pigment. Photo means light, synthesis means to put together. कि लाइट जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है उसका यूज किया जाता है इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए. साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज जनरली ग्रीन लीव्स, बट स्पेसिफिकली साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट विच इज प्रेजेंट इन पैलिसेड एंड स्पॉन्जी सेल्स जस्ट बिलो द अपर एपिडर्मिस एंड दिस क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. सो हेयर यू कैन सी ए ग्रीन लीफ. अगर हम इसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं तो उसमें सबसे पहले क्यूटिकल होगी. क्यूटिकल सबसे अपर लेयर होती है जो प्लांट को प्रोटेक्शन लीव्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. उसके नीचे अपर एपिडर्मिस प्रेजेंट होगी और जस्ट बिलो अपर एपिडर्मिस पैलिसेड एंड स्पॉन्जी सेल्स प्रेजेंट होंगी. इन पैलिसेड एंड स्पॉन्जी सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा. These spots represent chloroplast. अगर हम अब एक पैलिसेड सेल से एक क्लोरोप्लास्ट लेते हैं और उसके बाद अगर हम उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें दिखाई देगा फर्स्टली इट इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. सो फर्स्ट वन इज आउटर एंड द इनर वन इज इनर मेम्ब्रेन. सो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जो नोट डाउन करने हैं वो है फर्स्ट है ग्रेनम. ग्रेनम इज ए स्टैक लैमेला लाइक स्ट्रक्चर. सेकेंड इम्पोर्टेंट वन इज स्ट्रोमा. सो दिस ग्रीन पोर्शन रिप्रेजेंट स्ट्रोमा. उसके बाद आता है द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस. द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट डेट इज ग्लूकोज रिक्वायर टू सब्सटांसिस. द फर्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड द सेकेंड वन इज वॉटर. सो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीफ थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन इट्स सर्फेस. सो स्टोमेटा आर पोर लाइक स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट ऑन लीफ सर्फेस रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज. सेकेंड वन इज वॉटर. रूट्स अब्सॉर्ब वॉटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. So the general definition of osmosis is the movement of water from a region of higher concentration to a region of lower concentration. That means कि soil के अंदर water की concentration उसका amount ज़्यादा होगा तो वो soil से roots में move करेगा जहाँ पे उसका amount कम होगा वहाँ पे. So उसके बाद आता है mechanism of photosynthesis. Photosynthesis दो स्टेजेस में डिवाइड की है. फर्स्ट वन इज लाइट डिपेंडेंट मतलब जो लाइट पे डिपेंड रहती है. सेकेंड वन इज लाइट इंडिपेंडेंट मतलब जो लाइट की एब्सेंस में होती है. सो लाइट डिपेंडेंट इज नोन एज लाइट रिएक्शन. इट टेक्स प्लेस इन ग्रेना. सो एंड सेकेंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इज नोन एज डार्क रिएक्शन. इट टेक्स प्लेस इन स्टोमा. So during light reaction, the photosynthetic pigment absorb light energy. Here photosynthetic pigment is obviously chlorophyll. So briefly, three reaction hongi. First one, adenosine diphosphate ADP plus inorganic phosphate. ATP form karenge, ATP adenosine triphosphate, that is energy currency. Uske baad aata hai H2O.
वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होके हाइड्रोजन आयन प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है. सो दीज हाइड्रोजन आयन्स NADP प्लस डेट इज निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फोस्फेट को रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. सो NADPH इज रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फोस्फेट. सो लाइट रिएक्शन के जो एंड प्रोडक्ट होंगे वो होंगे NADPH प्लस ATP. NADPH और ATP जो लाइट रिएक्शन के टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं अब वो स्ट्रोमा के अंदर यूटिलाइज होंगे, जिससे कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होगा फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज डार्क रिएक्शन. उसके बाद आता है कीमोसिंथेसिस. हेयर कीमो रिप्रेजेंट केमिकल. सो द प्रोसेस बाय विच फूड इज फॉर्म्ड बाय बैक्टीरिया यूजिंग केमिकल एज द एनर्जी सोर्स रेदर देन सनलाइट. सो बैक्टीरिया सनलाइट की बजाय केमिकल्स को यूज करके अपना खाना बनाते हैं. इसका एग्जाम्पल है सल्फर बैक्टीरिया एंड नाइट्रोबैक्टर. सो सल्फर बैक्टीरिया सल्फर केमिकल को यूज करके अपना खाना बनाते हैं, ऐसे ही नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोजन को फिक्स करके अपना खाना फॉर्म करते हैं. सो डेट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.